हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं बी ऑनर्स उर्दू पार्ट टू पेपर फोर प्रोज सेक्शन, इसके अंदर आपका पहला चैप्टर आता है मुजामिन सर सैयद, जिसे आल अहमद सरोवर ने लिखा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो आइए देखते हैं, और इसके बाद मैं अगली वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगा इसी चैप्टर का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मारुजी सवालात माँ जवाबात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई, तो जवाब होगा 1817 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए, तो जवाब होगा दिल्ली। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ, तो जवाब होगा 1898। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कहाँ हुआ, तो जवाब होगा अलीगढ़। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का क्या नाम है, तो इनके वालिद का नाम है सैयद मुत्तकी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के दादा का क्या नाम था, जवाब होगा सैयद हादी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा का क्या नाम था, तो जवाब होगा अजीज़ुन्निसा। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के नाना का क्या नाम था, तो जवाब होगा ख्वाजा फरीदुद्दीन। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का इंतकाल कब हुआ, तो जवाब होगा 1831 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान मुनसिफ के ओहदे पर कब फायज़ हुआ या हुए, तो इसका जवाब होगा 1841 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान मुनसिफ के ओहदे पर कहाँ फायज़ हुए, तो इसका जवाब होगा मैनपुरी में। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान जज के ओहदे से कब शब्दकोश हुए, तो जवाब होगा 1876 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी किताब आसारुस सनादीद कब लिखी, तो जवाब होगा 1847 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की किताब असबाब बगावत हिंद कब मुकम्मल हुई, तो जवाब होगा 1859 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने मुरादाबाद का मदरसा कब कायम किया, तो इसका जवाब होगा अलीफ यानी 1859 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की, तो जवाब होगा 1862 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाला तहजीबुल अखलाक पहली मरतबा कब शाई हुआ, तो जवाब होगा 1870 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने पहली बार साइंटिफिक सोसाइटी नाम का अखबार कब शाई किया, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ ऑप्शन 1970 से स्टार्ट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि सर सैयद अहमद ख़ान 1897 ईस्वी में इंतकाल फरमा गए थे, ठीक है। तो यहाँ 1970 आ ही नहीं सकता, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको 1871 ईस्वी, ठीक है, 1871 ईस्वी में, या 1900 जितने भी हैं सब गलत ऑप्शन हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ान वायसराय के मेंबर कितने साल रहे, तो जवाब होगा 4 साल। सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान कब गए, तो जवाब होगा 1869 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कब स्कूल कायम किया, तो जवाब होगा 1875 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ स्कूल कब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया, तो जवाब होगा 1878 ईस्वी। वैसे कॉम्पिटिटिव बुक में 1875 ही इसका आंसर होता है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा दुरुस्त होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जवाब होगा 1920 ईस्वी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान के इंतकाल के बाद यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला, तो जवाब होगा 1878 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने तहजीबुल अखलाक को बंद कब किया, तो इसका जवाब हो जाएगा 1876 ईस्वी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाजमत बहैसियत सदर अमीन कब शुरू की, तो जवाब होगा 1839 ईस्वी, ठीक है, अलीफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला असबाब बगावत हिंद कब लिखा, तो जवाब होगा 1859 ईस्वी, ठीक है। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई का नाम क्या था, जवाब होगा मोहम्मद। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के मामू का क्या नाम था, तो जवाब होगा जैनुल आबदीन। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में स्कूल कब कायम किया, तो जवाब होगा 1800
64 ईस्वी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का दौरा कब किया? तो जवाब 1869 ईस्वी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान का कायम इंग्लिस्तान में कितने दिनों तक रहा? जवाब होगा 1 साल 5 महीने। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान वायसराय काउंसिल के मेंबर कब बने? जवाब होगा 1878 ईस्वी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान को एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ की एजाजी सनद कब तफवीज़ की? तो इसका जवाब होगा 1889 ईस्वी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने खुतबात अहमदिया कब लिखी? तो जवाब होगा 1870 ईस्वी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने अपनी आखिरी किताब तफसीरुल कुरान कब लिखी? तो इसका जवाब होगा 1876 ईस्वी। जी में इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि यह जो मैंने आंसर बताया, ये किताब के मुताबिक बता दिया, ये गेस पेपर है और इसके मुताबिक मैंने आंसर बता दिया, लेकिन आपको संतुष्ट नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि अभी के किताब में आंसर जो है वो गलत रहते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सबको आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, और आपको ना तलाश करना है। आप लोग तलाशना सीखिए सवाल को, जब आप तलाशना सीखिएगा तो इससे आपको ये होगा कि जो भी आपको पता नहीं है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर से मान लीजिए मैंने गलत बताया, ठीक है, किताब के मुताबिक मैंने बता दिया, मैंने अभी तक इसका सर्च नहीं किया आंसर, ठीक है? तो आपको चाहिए कि आप है ना इस पर रिसर्च करो गूगल पे, और जितने भी आंसर्स लगे कि गलत है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कौन सा आंसर इसका सही है, कौन सा आंसर गलत है, ठीक है? बस इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।